हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय अमेरिका। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन ने कैसे रिएक्ट किया जब अमेरिका ने जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग की। हेयर द की कॉन्सेप्ट इज आइंस्टीन्स रिएक्शन ऑन बॉम्बिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। मतलब आइंस्टीन का रिएक्शन हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग करने के बाद। आइंस्टीन वॉज कम्प्लीटली शेकन बाय द इमेंस डिस्ट्रक्शन कॉज्ड ड्यू टू द बॉम्बिंग ऑफ द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय अमेरिका। एज अ रिएक्शन टू दिस ट्रेजिक इवेंट ही रोट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस प्रपोजिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट कुड काउंटर सच फियर्स एनमिटी अमंग नेशंस। तो बच्चों, आइंस्टीन पूरे तरीके से अंदर तक हिल चुके थे जब उन्होंने देखा कि एटम बॉम्ब का जो डिस्ट्रक्शन है वो कितने लार्ज स्केल पर है हिरोशिमा और नागासाकी में, जब अमेरिका ने उनके ऊपर बॉम्ब फेंका। इस एकदम ट्रेजिक इवेंट पर आइंस्टीन का रिएक्शन ये था कि उन्होंने इमिडिएटली यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और उनको ये प्रपोज किया कि हम लोगों को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इन सब चीजों को रोके और यूज ऑफ एटम बॉम्ब को भी रोके और जो दोष एक दूसरे के एनिमी बने हुए हैं इस चीज को भी रोके। सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आइंस्टाइन पूरे तरीके से हिल चुके थे जब उन्होंने इतना लार्ज स्केल पर इमेंस डिस्ट्रक्शन देखा इस बॉम्बिंग का जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर की थी। और इस ट्रेजिक इवेंट के रिएक्शन में उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को जिसमें उन्होंने प्रपोज किया वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का जिसमें कि वो काउंटर करेंगे यूज ऑफ एटम बॉम्ब को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।